इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन क्या है और इसको आखिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टराइजेशन है क्या चीज़। कोई भी चीज़ है उसको आप जब ब्रेक करके मुख्तलिफ अंदाज से रखते हैं तो ये बेसिकली आप उसके फैक्टर बना देते हैं। जैसे कि एक एग है, उसको आप काटते हैं, मुख्तलिफ पीसेज में डिवाइड कर देते हैं, सो उस एक एग के ये जितने भी पीसेज हैं ये क्या हैं, उसके फैक्टर बन गए हैं। इंटीजर्स के भी फैक्टर्स होते हैं, इसी तरह नंबर जो है 24, इसके फैक्टर ये हैं। अब 24 को एक्सप्रेस करने के ये एक और अंदाज़ है। क्या अंदाज़ है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। हम इस 24 को एक और फैक्टर के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या है? 8 × 3 = 24। सो इसी तरह अगर हम 8 को देखें, इसके भी हम फैक्टर इसी तरह बनाएंगे जैसे 24 के बनाए थे, यानी 2 × 2 × 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। इसको एक और अंदाज में कैसे बयान कर सकते हैं हम? 4 × 2 = द फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 को लिखने का एक और अंदाज 4 × 2 है। सो इसी तरह मैथ में हम पॉलीनोमियल्स को भी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलीनोमियल्स जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो थोड़े से लेंथी होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने लंबे लंबे पॉलीनोमियल्स के फैक्टर बना के उनको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दें। अब फैक्टराइजेशन क्यों ज़रूरी होती है? इसका आंसर आपको इसी बात से मिल गया कि हम इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं। किसको? पॉलीनोमियल्स को। सो पॉलीनोमियल्स को हम सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को हम सिंपलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? फैक्टराइजेशन, वही हमारी हेल्प करती है। तो इसीलिए मैथ में फैक्टराइजेशन पढ़ाई जा रही है आपको, ताकि आप मुश्किल से मुश्किल एक्सप्रेशन को सिंपलर अंदाज में बयान कर सकें। मैथ 9th क्लास के चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ पॉलीनोमियल्स के को, मुख्तलिफ टाइप की पॉलीनोमियल्स को फैक्टराइज करना देखेंगे, उनको सीखेंगे कि किस तरह से हम एक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें सारी किस्म की है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना भी है, और भी बहुत अच्छी अच्छी इक्वेशंस हैं, टाइप्स हैं, जिनको हम फैक्टर बनाएंगे। सो कहीं नहीं जाइएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा लें। सो मेरी वीडियो को इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।